अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर गाइस, आप सभी को मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि 2020 हमारा कुछ अच्छा नहीं रहा कोरोना की वजह से, और 2021 में अब हम एंटर कर चुके हैं, तो ऊपर वाले से मेरी बस यही कामना रहेगी कि 2021 हमारा अच्छा रहे और सब ठीक हो जाए 2021 में, सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सब खुश रहें। सो गाइस, आज न्यू ईयर है, उसके साथ ही मेरे लिए बहुत स्पेशल दिन है आज, तो वो मैं अभी रिवील नहीं करूँगा, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो चलते हैं अभी वीडियो की तरफ और करते हैं 2021 का वेलकम। ये रोड काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, तो अभी रोड का काम चालू है, कुछ टाइम के बाद रोड सही हो जाएगी। गाइज, अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर पे, तो आप देख सकते हैं ये मंदिर, यहाँ का शिवजी भगवान का मंदिर है। सो गाइज, ये जो मंदिर है
ये इसे जटा का मंदिर बोलते हैं, और यहाँ पर जो है शिवरात्रि के दिन बहुत बड़ा मेला लगता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि उस मेले को आप लोग को दिखाऊँ, तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये जटेश्वर महादेव का मंदिर है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ बकरियाँ आ चुकी हैं, और पूरी की पूरी सब की सब काली हैं बकरियाँ, ये आप देख सकते हैं, ये एकदम डरी हुई है। सो गाइस अभी बाबा जी तो मंदिर में है नहीं, और जो मैं सामान लेके आया था ये खाने की सामग्री थी, तो ये मैं अभी मंदिर के अंदर ही रख के जा रहा हूँ, तो वो बाद में फिर इसे ले लेंगे। सो गाइस जैसा कि मैंने रिवील नहीं किया था, और अभी मैं रिवील करने जा रहा हूँ, आज है मेरा बर्थडे 1 जनवरी को, और आज न्यू ईयर का पहला दिन भी है, तो सेलिब्रेशन तो हम कर ही रहे हैं, बट उसके साथ साथ कुछ ऐसे काम कर लिए जाएँ कि किसी का भला हो सके। एंड गाइस मेरा ये वीडियो बनाने का रीज़न एक ही था कि अगर ये वीडियो देख के कोई भी व्यूवर्स मेरे जो भी हैं, जो जिन तक ये वीडियो पहुंच रही है, वो उनमें से अगर एक बंदा भी किसी भूखे को खाना खिला दे, या किसी जिनको हमारी ज़रूरत है वो उनकी मदद कर दे, तो मैं ये सोचूंगा कि ये मेरे जो वीडियो है ये बनाने का मकसद मेरा पूरा हो गया। सो गाइज़ इसी के साथ अब करते हैं इस वीडियो क्लोज़, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।